वाइड एंगल में मुझे देखने की अभी तुम लोग आदत डाल लो। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम माय न्यू कैमरा व्हिच आई रिसेंटली ब्रॉट फ्रॉम दुबई, दैट इज सोनी 7C। सो कूल, जूम इन एंड जूम आउट, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मुझे करना पड़ेगा। घर आके कम से कम आई थिंक मुझे 3-4 दिन हो गए एंड आई हैव बीन सो बिजी विद माय बैंक वर्क, माय डेटा ट्रांसफर एंड पूरा घर को वापस सॉर्ट करने में, बिकॉज आई हैव बीन लाइक ओनली सो आई ऑल्सो हैव अ फ्लिप स्क्रीन, तो मैं बार बार इसे यहाँ देखूंगी। इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 3 महीने आई हैव बीन ओनली कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग। आई थिंक उत्तराखंड 1 महीना हो गया था, 1 महीने बाद मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद आई वेंट टू गोवा अगैन, गोवा जाने के बाद मैं वापस घर पे आई, अगेन आई वेंट टू करजत, वहाँ पर घर पे आई, फिर 2 दिन का वापस ब्रेक लिया मैंने एंड देन अगेन आई लेफ्ट फॉर दुबई। दुबई जो आके आई थिंक 17 डेज आई स्टे देयर एंड आई एम बैक इन मुंबई। तो मतलब मैंने ब्रेक ही नहीं लिया है ब्लॉक के चक्कर में। This is Tumchi Vishaka from Amchi Mumbai. Welcome back to our YouTube channel, Rigel Vishaka. Well, the flip screen looks like this. Look at this. So one thing which is very common घर आने के बाद is like I get a lot of these kind of stuff. और भी है, इसके पीछे छुपा हुआ है। जो आया हुआ है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो दिस इज अ जैकेट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, दे सेड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन जैकेट दैट दे हैव गॉट। वन मोर न्यू जैकेट टू द कलेक्शन। सो वन मोर माय फेवरेट इनविक्टस से आया हुआ है, दीज आर सैडल बैग्स। ये इट्स अ न्यू लॉन्च, आई एम गोना ट्राई दिस ऑन माय बाइक। मतलब इसके लिए मुझे राइड करना पड़ेगा। नाउ आई एम रियली कन्फ्यूज, राइड करूँ कि फैमिली के साथ बाहर जाऊँ ना। इट इज़ क्रिसमस एंड न्यू ईयर टाइम, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन सी है। This time I want my new year to be a little different. And ये product मैंने order किया हुआ है, this we can actually call this as a magic bag, a vacuum bag. इसमें अलग अलग sizes के मैंने ये bag order किया है। Especially winter time में जो कपड़े होते हैं वो बहुत जाड़े हो जाते हैं and packing करने को it gets really difficult. तो open करके इसके अंदर I'll keep my clothes and उसके बाद मेरे जो pump है उससे जो हवा है वो मैं निकाल लूँगी। जो इतना मोटा कपड़े का ढेर हो जाता है इट विल जस्ट श्रिंक टू दिस मच। काम के चक्कर में सिंस मॉर्निंग मैंने कुछ खाया नहीं है एंड मम्मी ने आज सुबह सुबह मुझे दूध देकर शी गिव मी अ वड़ा। वड़ा कौन सा वड़ा है? बटाटा वड़ा। बट बटाटा वड़ा मैंने खाया नहीं है, आई जस्ट केप्ट इट लाइक दैट। अभी प्लान है एटलीस्ट मैं खाना खा लूं बिकॉज इट्स 4 o'clock। ओके नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। मेरे दिमाग में 2 प्लान है, एक तो मैं बाइक मतलब बाइक इज बैग बाद में कशिश इज बैग, मैं बैग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको मैंने दे दिया था बनाने के लिए 2 जगह पे। जब मैं दुबई में थी तब मैंने बोला था HDD कस्टम्स हेमंत दादा को बोला था कि प्लीज़ बाइक को तुम जो टूरिंग मॉडिफिकेशन वो कर दो। तो द मॉडिफिकेशन दैट ही हैज़ डन इज ये वाले जो पानियो स्टे है वो इसको लगाया है, वो सिर्फ हिमालयन पे मैंने लगाया था बट कशिश के पास थे नहीं एंड मुझे अगर इसमें टॉप बॉक्स लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी करके, इसलिए ये चीज़ उन्होंने चेंज कर दिया। मुझे एक्चुअली हैंडल राइजर भी चाहिए था बट हैंडल राइजर लगा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास था नहीं। फिर मैंने बोला गैरा जंगल को क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास एंड मैं जस्ट दुबई से आई हूँ एंड मुझे वापस निकलने का। फिर गैरा जंगल ने HD कस्टम जो जैसे अंधेरी वहाँ से पिक करके वो मीरा रोड लेके गए। एक दिन में मतलब एक दिन में नहीं आधे दिन में उन्होंने मेरी गाड़ी पूरी सर्विस करवा दी। ऑयल इसमें चले गया था, भाई को पता नहीं था इसमें कौन सा ऑयल जाता है तो उसने HP पेट्रोल पंप पर जाकर इमरजेंसी में जो ऑयल डाला था HP वाला ऑयल उसने डाल दिया। 1 लीटर ऑयल चले गया, मतलब इमेजिन पूरा ड्राई हो गया था, इसलिए गाड़ी दिक्कत देती चलने के लिए। तो वो सारा प्रॉब्लम नाउ इज सॉल्व, अभी गाड़ी 1 नंबर चल रही है। बट अगेन जिस मैंने बोला था पहले कि मुझे 31st जो है हम फैमिली के साथ मुझे सेलिब्रेट करना है, तो मैं बस वही सोच रही हूँ करके कैसे सेलिब्रेट करें और कहाँ जाए। कशिश का बाहर निकाला और पवन इज राइडिंग कशिश क्योंकि मेरे को पीछे बैठ के ब्लॉग करना था। मैं काफ़ी दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं किया ऐसे लग रहा मेरे को। सो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू CST क्योंकि CST में छोटा सा काम है, इंक्वायरी करनी है मेरे को।
सो अ लॉट ऑफ थिंग हैज डेफिनेटली चेंज एंड द न्यू नॉर्मल लाइफ. आई थिंक सब लोग बहुत अच्छी तरीके से मतलब सीख गए कैसे निकलते क्या करते. बट मिस दुबई सो मच बिकॉज अभी मैं रोड पे निकली हूँ मुंबई के एंड दुबई में कैसा होता था यू लेट अदर्स गो फर्स्ट. एंड यहाँ पर मतलब गाड़ी देखे नहीं कि नहीं पहला मुझे जाना है उसको जाने नहीं देना है. वहाँ पर हमेशा पेडेस्ट्रियन को पहला मतलब प्रेफरेंस देते थे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके सो आई हैव रीच CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. फॉर पीपल हु डोंट नो दिस इज लाइक अ स्टेशन जहाँ से सेंट्रल हार्बर एंड बाहर जाने वाली ट्रेन सारी जाते हैं यहाँ पर. तो आज सुबह का एक्चुअली मेरा प्लान था कि मेरी बाइक लोड करके मैं सीधा निकल जाऊँ राइड के लिए बिकॉज मुझे हाईवे पर जाना नहीं था. एंड आई वॉज सपोज टू गो टू अ सेम प्लेस जहाँ पर मैं पहले जा चुकी थी. तो वापस हाईवे पर चलाना एंड देन कवरिंग द सेम थिंग वो नहीं चाहिए था. बट दिस टाइम आई हैड डिफरेंट प्लान्स ऑफ यू नो एक्सप्लोरिंग द सेम प्लेस विच आई हैड ऑलरेडी बीन बिफोर. स्कूल टाइम में मैंने आई थिंक मराठी एंड हिंदी पढ़ा था. उसके बाद में मैंने कभी ऐसा मतलब आई डोंट नो न्यूज़पेपर जब पढ़ा होगा शायद तब पढ़ा होगा. अभी यहाँ पर जो इंक्वायरी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मराठी में. तो मैंने उसका फोटो निकाल के नानी को भेजा है. मैं नानी बताओ मेरे को जरा ट्रांसलेटर की एक्चुअली लिखा क्या है करके. गूगल ट्रांसलेटर एडवांस. आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू कम जिसको मैं एक्चुअली इंक्वायरी कर पाऊँ कि भाई कोई बता दो कि अगर मुझे बाइक डाल के जाना है ट्रेन में या तो मुझे शैडो को अगर लेके जाना है या तो मुझे दोनों को लेके जाना है या मुझे मम्मी भाई शैडो बाइक में मतलब हम सब साथ में जाए तो मतलब व्हाट इज़ द प्रोसीजर मतलब कोई तो बता दो. हम लोग अभी तक रिजर्वेशन सेंटर पे हैं. यहाँ पर सीन ऐसे हो रहा है क्योंकि अगर तुमको डॉग को लेकर ट्रैवल करना है तो यू विल हैव टू बुक द एंटायर कूपे. एंड कूपे वो तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास 4 टिकट होगी. तो मैं भाई एंड मम्मी लाइक मैं सब इनको ऐसे कन्विंस करूँगी तो मैं मेरे साथ चलो सो दैट यू नो आई बुक द एंटायर कंपार्टमेंट फॉर यू ऑल. बट अभी सीन ही हो रहा है क्योंकि सिर्फ डॉग को लेके जा सकती है फर्स्ट क्लास में. एंड जो फर्स्ट क्लास वाली ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है. अभी जो ट्रेन है वो सीधा आई थिंक 30 दिसंबर को सिर्फ वेनसडे को एक ही दिन चलने वाली है वो ट्रेन. एंड उसमें फर्स्ट क्लास है नहीं. तो अभी हम लोग CST से प्लान करके जाए मुंबई सेंट्रल. मुंबई सेंट्रल में शायद हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले करके कौन सी ट्रेन कहाँ से एंड कितना कॉस्ट आए. आई एम इन मुंबई सेंट्रल राइट नाउ एंड यहाँ पर भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट रिप्लाई या मुझे समझ में नहीं आया. बट इतना समझ में आया कि जो कंपार्टमेंट है तुमको पूरा बुक करना पड़ेगा एंड जो कूपे होता है उसके लिए सिर्फ 2 टिकट लेनी पड़ती है. वो 2 टिकट में तुम शैडो को लेके जा सकते हो. बट अभी इट्स मी मम्मी भाई एंड शैडो तो हमको एक्चुअली चाहिए 3 टिकट. तो उन्होंने बोला तुम लोग एक्चुअली 4 टिकट पूरी निकालो. मतलब किसी ने तो बोला 4 निकालो कोई बोला 3 निकालो करके एंड देन यू कैन टेक शैडो अलॉन्ग. तो अभी मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है टिकट. मतलब 3 टिकट मैंने बुक किया है एंड होपफुली आई प्रे दैट चौथा कोई आए नहीं बिकॉज इट इज़ फर्स्ट क्लास एंड द टिकट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. प्लस ठंडी में कोई फर्स्ट AC वाला मैं प्रेफर नहीं करता है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये हो जाए. बट दिस इज़ नॉट इट. अभी मुझे जाना पड़ेगा चर्च गेट एंड चर्च गेट पर वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वो ऑफिस खुली रहती है एंड 10 to 5 ही खुली रहती है. इट इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock राइट नाउ. तो अभी वहाँ पर जाके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. तो मुझे एप्लीकेशन एक्चुअली लिख के देना पड़ेगा कि हम लोगों ने टिकट्स तो हो गई है हमारी कंफर्म बट सीट्स अभी तक हमको अलॉट नहीं हुए. तो PNR नंबर हम तीनों का सेम है तो होपफुली एक ही जगह पे हमको सारी को सीट मिल जाएगी. बट उनको एप्लीकेशन इसलिए देना पड़ेगा कि हमारे साथ एक डॉग है हु इज़ फिट एंड हु इज़ फ्रेंडली. प्लस हमको एक ही कूपे चाहिए. मतलब एक ही कंपार्टमेंट में हम सब एक साथ रहे. हैरी पॉटर का जो होता है ना मतलब आई एम इमेजिनिंग कि वैसे ही रहेगा. कभी देखा नहीं है मैंने. हॉगवर्ट्स की ट्रेन में हम फिर मचाएंगे. मम्मी जैसे टिकट बुक हो गया मम्मी का फोन आया मुझे. मैं टिकट बुक कर रही थी. मैंने बोली पवन तू उठा. तो मम्मी ने क्या बोली बहुत ठंडी होगी. बहुत ठंडी होगी और मैं नहीं आ रही हूँ भाई साहब. एक तो इतना बॉम्ब नहीं ग्रेनेड था ये हमारे ऊपर. एक तो टिकट बुक कर लिया ऊपर से चीज लाइक नहीं अभी नहीं हमसे नहीं हो पाएगा. मैं बोली चलो चुपचाप करके इतना पैसे भरे हुए हैं अभी विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मैंने तुम लोग अभी तक बताया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ. होपफुली मैं अभी तक नहीं बताऊँगी. शायद बाई एंड आई टेल यू मैं कहाँ जा रही हूँ. बट अभी ठंडी वाली जगह है. ऑब्वियसली ठंडी वाली जगह नॉर्थ है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होने वाला है. वहाँ बर्फ के पोकेमॉन पकड़ेंगे. बैठे बैठे के पोकेमॉन खेल रहा है. सो अभी पहले शॉपिंग पवन की करवाऊँगी ठंडी कपड़ों की. फिर घर पर जाऊँगी फिर मम्मी को पिक करके मम्मी की शॉपिंग करवाऊँगी कपड़े की. ठंडी के कपड़े मतलब हाँ गर्म वॉर्मीज के. टू मच स्ट्रेस.
दिमाग से निकल गया था क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन शैडो भी अपने साथ आने वाला है एंड उसके कपड़े लेना इज लाइक अ बिग टास्क फॉर मी. तो एंड इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम वो एटलीस्ट वो इनकाउंटर करने वाला है. हमने शैडो के लिए एक स्वेटर अभी ले लिया है, मतलब अंदाजे से साइज लगाया है मैंने और बोला परफेक्ट हो जाएगा. एक ही स्वेटर लिया अभी और भी बाकी लेने के लिए. अभी सबसे पहले पवन का शॉपिंग, सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द डेकैथलॉन. व्हाई शॉपिंग ऑलवेज इज लाइक अ ट्रबल फॉर मी, आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब सो आई हैव ऑल द थर्मल्स, आई हैव गॉट जैकेट, आई हैव गॉट एवरीथिंग. अभी मम्मी एंड भाई के लिए शॉप करना है, बट पंगा ये है मम्मी का साइज आई नो इट इज लाइक अ साइज बिगर देन मी, बट भाई का साइज इज आई डोंट नो इट्स लाइक अ चोर वाड़ी, कभी एस कभी एम कभी एल, एंड जो साइज आता है उसको वो साइज अवेलेबल नहीं है. Hey guys, good morning. I still feel sleepy, but this is the second day. मैं अभी हूँ पेट जोन में बिकॉज आई हैव टू सबमिट एप्लीकेशन दैट शैडो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है एंड ही इज़ फिट एंड फाइन. तो शैडो का जो वेट है विच इज़ पेट जोन, यहाँ से मुझे एक्चुअली इसके लिए एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, बट आई जस्ट थॉट कि मतलब रैंडम एप्लीकेशन मिल जाएगा, बट नहीं, आई हैव टू गेट शैडो अलॉन्ग एंड 1 o'clock का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, तभी मुझे उसको एग्जामिन करके देल यू नो गिव मी द सर्टिफिकेट. बट अभी वन सीन इज दैट 10 to 5 इज द ओनली टाइमिंग जहाँ पर से मुझे एक्चुअली रेलवे में जाके एप्लीकेशन देना था. शैडो इज ट्रैवलिंग विथ मी एंड वी नीड अ कंपार्टमेंट और अ कूपे, और सबसे पहला जाऊँगी तो मुझे पहला प्रेफरेंस मिलेगा. और अभी ऑलरेडी इट्स 10:30 एंड 1 o'clock को शैडो को बुलाया हुआ है, सो एवरीथिंग इज सो मेसी राइट नाउ. सेफ पार्किंग मुझे कहीं भी मिली नहीं है चर्च गेट का ऑलमोस्ट, मतलब मैंने ऐसा 3 राउंड मार लिया है. तो मैंने बोला इट्स बेटर आई वर्क थोड़ा सा एंड जहाँ पर पार्किंग है पे एंड पार्क वहाँ पर पार्क कर दो, तो मैंने वहाँ पर पार्क कर दिया. अभी मुझे बोला था कि मुझे सेकेंड फ्लोर पर जाना है कूपे या कंपार्टमेंट बुक करने के लिए. नाउ टू रीच द सेकेंड फ्लोर आई हैव टू क्रॉस द स्काई वॉक. मेरे को ऑलमोस्ट 26 साल हो गए मुंबई में रह के चर्च गेट स्टेशन से डेली ट्रैवल करके, बट आई हैव नेवर नोटिस दैट देयर इज अ स्काई वॉक द स्टेशन. मैं सीढ़ी से आई, देयर इज अ लिफ्ट ऑल टू बुक योर कूपे और अ कंपार्टमेंट. यू विल हैव टू कम टू चर्च गेट, चर्च गेट रेलवे स्टेशन सेकंड फ्लोर पे आना होगा. यहाँ पर यू विल हैव टू राइट अ एप्लीकेशन जहाँ पर तुम्हारा ट्रेन का नंबर, PNR नंबर, पीपल ट्रैवलिंग अलॉन्ग विथ यू, ID प्रूफ एंड अ लेटर दैट योर डॉग इज फिट एंड फाइन. तो ये एप्लीकेशन अभी लिख कर आई बी सबमिटिंग दैट इन अ बॉक्स. तो जब ट्रेन लग जाती है चार्जशीट आ जाता है, उसके 4 आवर्स पहले कन्फर्मेशन आ जाएगा दैट यू विल गेट अ कूपे और अ कंपार्टमेंट. बट नाउ इन माई केस आई हैव ओनली 3 टिकट्स, सो कूपे सिर्फ 2 लोग को मिलता है, लाइक ओनली फॉर 2 पैसेंजर्स. और 3rd पैसेंजर विल हैव टू लाइक एडजस्ट समवेयर. इफ़ आई हैव 4 टिकट्स तो मुझे पूरा कंपार्टमेंट मिलेगा. तो आई जस्ट मेट सम ऑफिसर ओवर हियर, उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ यू नो बाइंग 1 more ticket एंड वेस्टिंग योर मनी, व्हाई डोंट यू बुक जस्ट 1 कूपे वेर इन योर डॉग विल बी सेफ एंड तुम तीनों में से कोई एक सीट में एडजस्ट हो सकता है. So let's just pray that we get at least 1 coupe so that Shadow can actually travel along. So after years long, I actually saw Churchgate station. मैं चढ़ी थी ये साइड से एंड उतरने के टाइम पे मैं चर्चगेट का जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से नीचे उतरी एंड नीचे उतर के आई वाज लाइक भाई ये जगह तो मतलब जानी पहचानी सी, कहीं तो देखा हुआ है. देन इट क्लिक आई OMG दिस इज चर्चगेट स्टेशन. वैसे ट्रेन तो चालू हो गई है, वेरी लिमिटेड ट्रेन्स, बट ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए यू नीड दैट एसेंशियल क्या पब्लिक असेंशियल सर्विस असेंशियल का कुछ कार्ड लगता है. ऐसा कॉमेडी हो रहा है मेरे साथ, चलते चलते मैं आगे निकल गई और भूल गई करके भाई बाइक इधर पार्क किया. आई एम गोइंग बैक टू माई बाइक नाउ. बट आई थिंक आज के व्लॉग को इधर ही एंड करना चाहिए. अगर जो मैंने बताया इन द व्लॉग प्रॉपरली समझ में नहीं आया, बिकॉज इवन आई वॉज कन्फ्यूज पूरे टाइम पे, आई वॉज जस्ट रोमिंग, सो आई प्लान टू मेक अ IGTV वीडियो आउट ऑफ इट ताकि तुम लोग को एकदम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए करके. इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल लॉन्ग विद योर पेट तो वट आर ऑल द प्रोसीजर्स. ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन आई एम गोना टाइप ऑल द डिटेल्स एंड द स्टेप. सो गाइस एज ऑलवेज दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग अप, ब्रेकिंग ऑल स्टेप्स. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट. आई एम गोना सी यू वॉइस इन अनदर व्लॉग. पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट टू नो एनी डिटेल्स दैट आई शुड ऐड इन द IGTV वीडियो. That's it guys, then keep calm and give it up. More party. But I'm still excited that, you know, this is the first time I'm traveling with my family. Jump a shadow. Hai.